फॉलोइंग और ये सब कोई क्वेश्चन याद करके आने सारे के सारे, इसमें मैं बोर्ड पे करवाऊंगा। अगर आपने याद नहीं किया ना तो नीचे आपके वाला लास्ट वर्कबुक आप कर लेंगे, दो। आप ये बना लेंगे बट मैं नहीं करूंगा। तो अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। आप स्पेस लेके लिखेंगे सो दैट आपको कुछ भी कमेंट लिखना हो तो आप क्या करेंगे इसके नीचे लिख सकते हैं। एक या दो लाइन का क्या करना है, गैप छोड़ के लिखना, ठीक है राइट। सो दैट जो भी मैं बताना चाहूंगा वो आप उसमें लिख सकते हैं। सिर्फ आंसर लिखना ऑर्गेनिक पे इनफ नहीं है, द रीजन इज क्यों, क्योंकि जब आप 4 दिन बाद 10 दिन बाद रिवाइज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या रीजन था, इसलिए रीजन साथ में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है राइट। या लॉजिक जो भी इसमें लगा रहे हैं वो लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ -S आर बता दूंगा क्या है अभी आपको। तो आपने क्या बताया था, क्या होता है एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल वो आर जो सबसे सॉरी बना। राइट अब देखिए यहाँ डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट क्या आप पहले सबसे कम है इसलिए मैंने बोला कि जब एलिमेंट्स सेम का होगा तो हमने कहा कि बीच का क्या होगा, कम होगा क्या, और जो बीसीडी था वो था तो जिसका साइज इतना बड़ा वो चाहे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम टीएन साफ करेंगे और बीसीडी कहता है कि तार इतना ज्यादा और जिसका साइज इतना बड़ा काम स्टेबिलिटी का काम सकता है हमारी चार प्लस अब यहाँ भी क्या होगा करेंगे। अब मैंने बोला देखने के वहां पे
तो आपको सेव क्या कंसाइड करेगा स्टेबिलिटी होगा। तो लास्ट पॉइंट अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये दो पॉइंट लगाते थे कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्ट्रांग करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करती है, इंक्रीज करती है, स्टेबल एक्स माइनस ओ माइनस एच टू माइनस और यहाँ पे सबको एक बुक लेनी है, ठीक है ना, एम एस चौहान सबको बुक लेनी है और हम स्कूल क्लास बालाजी पब्लिकेशन सबको ठीक है और हम ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं लगाएंगे। अगर आपको कोई बुक आती है तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत पड़े नहीं में नहीं है वो बुक करेंगे और फिर क्या करेंगे इंस्टॉल।
अगर हम नेगेटिव है पॉजिटिव अभी डेली आना है ना मेरे स्टार्ट पे नहीं डेली पढ़ना है क्लास में नहीं एएस एएस क्या है क्वेश्चन पहला मैंने आपको एक मॉडल एक बार आता बेटा कि जो साइक्लो प्रोपेन होता है उसके आउटर पाइल का सबसे था साइक्लो प्रोपेन तार है ऑटोमेटिक से इलेक्ट्रो अब क्या है हमने अभी बोला था पॉजिटिव चार्ज मोर से बड़ा
साइन ग्राम का मतलब क्या करता है, थोड़ा सा स्टेप राइट आंसर क्या है, ओ और लास्ट क्या है क्या था 16 तो कितने साइड करते ग्राम के साइड क्या ये और ये। नाउ अब क्या करेंगे यहां पे ये भी क्या है जो नंबर क्या है इसकी किस साइड करते तो राइट आंसर क्या है और उल्टा कर एस बी का सत्ता पे किसी को डाल मानसून भी है बेसिकली क्या जब हमने कौन सा है वो क्या है नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल हो क्लियर। अब क्वेश्चन अच्छा कैसे आएगा एडवांस में क्या एडवांस में आपको क्या करेगा मिक्स करेगा माइनस और पीएच अगर ना सेम पीरियड है ना कुछ क्या है सेकंड कुछ सेम है तो और ये क्या है कोई क्या है और अगर हम थर्ड पीरियड की बात करते तो कौन तो यहाँ उसने कर दिया कि ग्रुप डी देखता है ऐसा कुछ बन गया तो जब ऐसा कुछ आएगा तो याद ये 15 पीरियड है ये 16 पीरियड है और ग्रुप है और ये पीरियड सेकंड लगे पीरियड क्या है। अब क्या है पीरियड इसका मतलब हम अगर दो हिसाब से आंसर कर सकते हैं या पेडी को वो डोमिनेट तो जब मिक्स आएगा तो डोमिनेट then
ठीक है ना, व्हेन बीसीडी एंड ईएन इज मिक्स, व्हेन बीसीडी एंड ईएन आर मिक्स दैट बीसीडी विल बी द क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर सम पहले दैट बीसीडी विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर, यहां से क्लियर है। अब बीसीडी का मतलब इसका साइज बड़ा वो क्या हो रहा है, स्टेबल का मतलब थर्ड टीयर के एलिमेंट है उनका साइज सेकंड टीयर के एलिमेंट से क्या होगा ज्यादा था, इसका मतलब क्या होगा जो पीएच एसएच माइनस और सीएच माइनस इन सब का ज्यादा किसके एनएच माइनस के ओएच माइनस के और इन तीनों का क्या होने वाला है अभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, दो तीन अब छोटी ग्रुप से किया है पहले ने ग्रुप के साथ से डिवाइड किया और जब ग्रुप से डिवाइड किया अब क्या होता नॉन से लगा ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है सर फर्स्ट साइक्लोक्लोरीन जो एक पीरियड हो गया ना, हां तो एक पीरियड में होगा तो किस पे रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर मतलब एनएच एनर्जी का सी ओ और एच का इलेक्ट्रॉन स्पिन मतलब तीन वो रोल बन जाएंगे इसके बेस तो उसके बेस पे क्या करना चाहोगे आप सीएच क्या होगा यहां ऐसे बोला जाता है फिर क्या यहां पे पीएच ओएच ओके यही तो किया इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं आज तक याद रखिए रिएक्शन से नई रिएक्शन है तो इसकी पे एल्काइन के ब्रिज रिडक्शन नाम उसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन काफी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन है एनएच2 माइनस अब हमें बताना है कौन ज्यादा स्टेबल तो क्या आंसर करेंगे इसके हिसाब से अब क्या है हमने बोला कि कार्बन और नाइट्रोजन के ब्लॉक्स सेम पीरियड तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा और इस हिसाब से हमें लगता है कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या होगा ज्यादा स्टेबल अगर sp है बेस कार्बन है क्या बोला मैंने अगर sp है बेस कार्बन है और उस पे नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल क्या n पे नेगेटिव मतलब क्या है sp वाला कार्बन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा sp2 वाला क्या नाइट्रोजन यहां पे लिखेंगे
एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन देन एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे कौन से होगा एक दो तीन और एक क्या दो रुपये तो कितने एक दो तीन और चार। अब क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन इसका था ये हमने यहाँ लगा दिया और एक प्लस हटा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया नाइट्रोजन एक दो तीन और चार चार के लिए क्या हो गया So this nitrogen is sp3 and this carbon is sp. जो sp वाला कार्बन है यहाँ पर sp वाले कार्बन के 3.2 कितनी होती है 3.2 और sp3 वाले नाइट्रोजन की होती है हमने देखा कि सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और sp वाले कार्बन कितना है 3.2 और नाइट्रोजन कितना है कार्बन नेगेटिव लेकिन कब होगी जब वो क्या होगा जैसे ऐसा नहीं एसपी वाला एसपी है अभी पूछ रहे ये डबल बोल रहे दिस इज डबल तो किसी के साथ कोई नुक्ति होगा यहाँ पे अगर आप रिमेंबर नहीं करेंगे तो ये नहीं होने वाला हमने बोला था कि जैसे कैसे एस करेक्टर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती जाएगी ये वाला जो कार्बन नाइट्रोजन उसके ये एसपी थ्री था और ये क्या होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या करेगी और वो क्या होता है सी पॉइंट क्या हो जाती है ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा हो जाएगी तो देखिए करेगी ना तो थ्री से बढ़ेगी कम होगी तो थ्री से बढ़ेगी ज्यादा तो एसपी वाला है ही ना यहाँ
देखिए क्या है, देखिए एन और सी दो चीज है, तो किसके ज्यादा अब जब हाइब्रिडेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब अब क्या अब हम बोल रहे हैं कि अगर एस पी वाला कार्बन है और एस पी थ्री अब यहाँ पे एक और SP2 ये क्या हो गया सी, ये क्या है अब इसके बढ़ा दिया तो इसके क्या करेगी बढ़ गई और वो एसपी वाले से क्या करेगी ज्यादा, तो जब ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा ये सदस्य के बाद होगा फिर ये होगा वहां पे लिख लेंगे और देखेंगे देखेंगे एसपी टू हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन देखेंगे एसपी नीचे कमेंट में लिखेंगे SP2 hybridized nitrogen is more SP2 hybridized nitrogen is more negative than SP hybridized carbon in greater than SP3 hybridized nitrogen. Then sp hybridized carbon, then sp3 hybridized nitrogen. क्या लिखा मैंने? sp2 hybridized nitrogen is more negative than sp hybridized carbon. Is the more than क्या हो जाएगा? येले आ रही आवाज़. कितना हो जाएगा? sp येले आवाज़ आ रही है. याद कर चुका है कल यार. कल एक टर्म डिसाइड किया था हमने बेटा राइट, बट क्या था हमने ऐसे टर्म डिसाइड किया था कि जैसे मैंने बोला था एच है और लिखा था एच क्या आई, अब मैंने कौन ज्यादा एसिडिक तो क्या क्या और रीजन से क्या था कॉन्जुगेट बेस, क्या क्या कॉन्जुगेट बेस, तो हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि मे भी आपको नहीं आता लेकिन एसिडिक नहीं करते बेटा एसिडिक नेचर एसिडिक एंड बेसिक एसिडिक एंड बेसिक एसिडिक एंड बेसिक एसिडिक एंड बेसिक नेचर ठीक है एसिड क्या होता है लिखो एसिड The substance which gives product, which donates, the substance which donates, the substance which donates H plus ion, the substance which donates H plus ion is known as the acid. The substance which donates H plus ion is known as acid. Or basically, whereas substance which accepts हम लोग यहाँ पे वो नहीं लिख रहे जो आपने टेंथ में पढ़ा है कि वो हर तो कोई चांस देगा ऐसे तो होगा जो एक्सेप्ट देगा बेस को एक्सेप्ट करे लेकिन the substance which accepts H plus ion इस नोटिस से क्या बेटा तो कहने का अगर एसिड है तो वो क्या डोनेट करेगा और जो बेस है एक्स्ट्रा साइन क्या करेगा एक्स्ट्रा या बी और यहाँ पे यूज नहीं है और ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो यहाँ पे तो ज्यादा जो एच होता है क्या होता है ऑर्गेनिक में ज्यादा काम होता है यहाँ पे ऑर्गेनिक में काम नहीं है दो तीन जो एसिड बेस की जब हम आयनिक पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे आरहेनियस थ्योरी फिर ब्रॉस्केट तो यहाँ पे तो उस पर ज्यादा ऑर्गेनिक डिपेंड करता है तो उसी वजह से एक्स प्लस आता भी है तो ये ऐसे कोई डाउट यहाँ पे कैसे एक्सेप्ट करेगा अभी हम देखें
यूज करना तो आपको पता है, बट कैसे यूज करेगा वो भी हम डिटेल में। अब क्या है बेटा, कौन सा एसिड है, कौन सा है बेस, वो डिपेंड करेगा सेकेंडरी का कंजुगेट पे, डिपेंड करेगा सेकेंडरी का कंजुगेट। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, इवन एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ depends upon stability of conjugate basically abhi bata kal humne dekha tha par main dobara kya conjugate conjugate ki acid base dono ko sirf conjugate depend upon its conjugate its conjugate kal dijega its conjugate। अब क्या देखिए, जब आप क्या करते हैं ऑर्गेनिक, वैसे भी इनऑर्गेनिक में एसिड्स को एचएन करते हैं एच, अब क्या होगा एसिड क्या करेगा एच प्लस देगा, एच प्लस देगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एच और ए के कोवलेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन जो टूटेगा एच प्लस जाएगा, ये वाला किसके पास आएगा ए, जब इसमें इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें क्या चार्ज आया नेगेटिव, और H+ क्या करेगा, तो हुआ क्या यहाँ पे जब H+ रिलीज होगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे A करेक्ट, जब एक H जाएगा ठीक है, तो लास्ट बार बता ठीक है क्या होगा ये A है ठीक है, अब क्या होगा X प्लस जाना है, X प्लस का मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके जाएगा A को, तो A के ये वाला का A का, और ये वाला भी जो H है वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया इसमें A, तो A ने एक इलेक्ट्रॉन किसका इंट है H का दे दिया, अब क्या चला जाएगा नेगेटिव, और H प्लस क्या करा चला गया, H प्लस को क्या मिला A चार मतलब नेगेटिव चार्ज का मिला लो ठीक है। फिर अब याद बेटा ये जो एच ए था वो क्या था एसिड, एक एच जाने के बाद जो बचेगा उसी को कहते हैं कॉन्जुगेट, ऐसे करना बनेगा कॉन्जुगेट, क्या होगा एच का कॉन्जुगेट क्या है एक एच कम होगा वो क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस, उस ऐसे क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस, जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं एचसीएल, तो एचसीएल क्या करा जब एक एच का सीएल किया तो यहाँ पर तो ये तो क्या है एससीएल माइनस अंदर अभी क्या है कॉन्जुगेट क्या है फिर, तो ये कॉन्जुगेट क्या है बेस ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस से क्या होगा एक एसिड का होगा ठीक है, डिफरेंस है क्या है अगर आप यहां पे एसिड लिखते हैं और उससे एक एसिड का कैसे दूसरा बनेगा, अगर आप पास भी एसिड एक एसिड का कर देंगे तो बनेगा वो क्या बनेगा आपके, अब अगर मान नाइट्रोजन पे पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन तो चले गए बॉन्डिंग में और एक क्या रहता है उसके पास लोन पे, अब इसके पास ठीक है अभी के क्या बन
क्या बन गया O plus अमोनियम, तो क्या बना अमोनियम आयन यहाँ पे NH3 ने क्या करा एक किया तो क्या बना NH4 क्या बना प्लस क्लियर राइट। अब ये क्या है बेटा ये बेस है तो ये जो बना हुआ है इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ SH, तो इसका मतलब बेस में और इसके कॉन्जुगेट SH के द्वारा एक प्लस क्या होगा ज्यादा, तो जब आप एक H प्लस क्या करेंगे देंगे तो क्या बन जाए कॉन्जुगेट SH। तो ये क्या होगा ये इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है डिस्टेंस है इसमें दो क्या है ए, तो ये क्या रहा होगा ऐसे, तो ये क्या रहा होगा क्लियर। हमने क्या बोला होगा कि जो स्टेबिलिटी और एसिडिक का बेस जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा इसके इसके फॉर स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट एसिड क्या बेस, और जब कॉन्जुगेट बेस बन रहा है एसिड बन रहा है तो आप ध्यान से देखिए कि चार्ज आ रहा है उसमें, जब क्या हुआ H था और H प्लस आया तो क्या बना Cl माइनस, और चार्ज की स्टेट पढ़ चुके हैं कि चार्ज के दो या तो बीसीडी को क्या करती है, तो अगर मैं यहाँ पे एक एक्सेल लिखा और एक एक्सेल लिखा एक्स प्लस अब जिसका कॉन्जुगेट जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा वो क्या होगा एक्सेल होगा, मतलब हमें किसकी स्टेबिलिटी है क्लोरीन और कोरीन, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे सेम ठीक है सेम इसका साइज इतना बड़ा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा क्या होगा वो एसिड, और जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट क्लियर कोई डाउट, तो क्या कभी भी जब एसिड आए ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और एक या दो क्वेश्चन जेई में नीट में जरूर होते हैं क्या बेसिक हरेन का सॉल्विंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जब कभी भी क्वेश्चन एसिडिक और बेसिक हमेशा आप ऐसे बोलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बोलेगा कैसे स्ट्रेंथ बोलेगा क्या स्टेबिलिटी कैसे जैसे कुछ अरे तो कॉन्जुगेट एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक
जैसे आप लिखते मैंने एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच अब सर इसका क्या बनाइए कॉन्जुगेट क्या बनाइए अरे का कॉन्जुगेट तो इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और क्या अब चार सी क्या जिसका साइज इतना बड़ा स्टेबल उतना अच्छा क्या फिर अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फिर एचसीएल के तो क्या रहता है हमेशा आपको पहले क्या करना है एसिड बनाना एसिड है क्या बनाना है आपको कॉन्जुगेट और फिर देखते हैं क्या है इसकी स्टेबिलिटी बनाई कॉन्जुगेट बनाई डिसाइडिंग फैक्टर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ तो एफ सबसे ज्यादा है क्या ओ एच टू एन एन एच सी एच क्लियर है ये क्या होगा जब एच जाएगा तो ये एसपी वाला कार्बन ये एसपी टू वाला और ये एसपी थ्री वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एसपी वाला उसका कॉन्जुगेट सबसे ज्यादा स्टेबल ये सबसे ज्यादा एसिडिक डबल बॉन्ड फिर सिंगल एल्काइन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है फिर एल्कीन और फिर क्या होता है एल्कीन ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं एच जाएगा बेटा ये नेगेटिव चार्ज लोन पे लाया एक एच गया नेगेटिव चार्ज लोन पे लगाया एक एच गया नेगेटिव चार्ज लोन पे लगाया जब आप एक एच प्लस हटाएंगे तो आपको क्या लगाना है आपके नेगेटिव चार्ज अब ये sp वाला कार्बन है ये sp2 वाला और ये sp2 तो राइट आंसर क्या है sp फिर sp2 फिर sp2 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी मैंने कुछ पहले लिखाया था रिमेम्बर
और मैंने एसपी वाला कार्बन निकाला था और एसपी थ्री वाला नाइट्रोजन, तो फर्स्ट वाला क्या होगा ज्यादा एसिडिक, एसपी वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था एसपी थ्री वाला नाइट्रोजन, तो किसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन वाला, इसका एसिडिक ज्यादा होगा कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल, आंसर क्या बेटा फर्स्ट इज मोर एसिडिक है सेकंड, रीजन देखो लिख के चलेंगे बेटा हां ठीक है राइट, NH2 माइनस का बताओ NH2 माइनस sp3 क्लियर, तो राइट आंसर क्या है आरएसएच देन आरओ, ठीक है ये अल्कोहल है फर्स्ट तो थायो बोलते टी एच आई ओ है तब बोलते थायो, जब कभी भी क्या होता है ओ से एस थ्री पेज होता है याद याद रखना की जरूरत पड़ेगी, जब कभी भी ओ को आप इस से रिप्लेस करोगे एस से रिप्लेस करोगे आगे वर्ड लगाओगे थायो, क्या वर्ड लगाते हैं थायो, तो थायो टी एच आई ओ आयोन और ये है अल्कोहल, ठीक है एक आयोन और ये है अल्कोहल, एस जब भी ओ रिप्लेस करेगा आयोन, क्या याद रखेंगे बेटा इसके पीछे नहीं हमें इसके कंसंट्रेट करना है इसके पीछे से होता है जो ये आगे वाली का हो जाए मतलब जब ये लेकिन जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो आप बार बार decide here or this
पूछेगा कौन था बेस अभी आपको क्या करना है कॉन्जुगेट ऐसे बना कॉन्जुगेट ऐसे का मतलब एक एक्सेस को कहते हैं जब ओके तो ये बचेगा सीओ तो क्या कर जाएगा निकालने का प्लस क्योंकि जो एक्सेस वाला जो पास हो किसके पास हो जाएगा तो यहां जाएगा नाउ बिकम्स इन पीरियड सो I told you the positive charge is more stable on left side to negative. It is better based than ammonia is better based than clear. Repeat karo kya main isko. बताइए बड़ा बेसिक वाटर अब क्या होगा सी एफ फोर की क्योंकि सी के पास कोई लोग क्योंकि उसके पास चाहिए प्रॉब्लम है चार के चार चले दिखता इसके पास कोई नहीं लिखना देगा अब ये तीन लिखने चाहिए क्योंकि सबने कहा था लो अभी है तो बताइए सबसे अच्छा कौन सा होगा राइट तो ये क्या था बेटा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का बीसी या क्या था स्टेबिलिटी का क्या था यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे जो कि आगे का ये डिसाइड करेगा कि आगे का पढ़ना क्या है कैसे पढ़ना है क्वेश्चन ये आएगा जैसे मैंने अगर कहा था कि अगर की एटम क्या हो जाए सेम हो की एटम क्या हो जाए सेम हो जाए की एटम के साथ होने के सेम होना चाहिए क्योंकि हमने क्या लिखा था अभी जैसे लिखा था क्वेश्चन और पूछा था ऐसे आपने यहाँ पे लिखा था सी एच टू माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि एटम की स्टेबिलिटी क्या होगा सेम होगा तब किस स्टेबिलिटी को इफ की एटम इफ की एटम सेम then apply electronic displacement effect. Inductive effect in light
इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन कॉमा हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट और लास्ट हमें पहला पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट अपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट और तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो सारी यही छह है। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो कहां पे है, यहां पे टारगेट चैप्टर ही सीख है और ये थ्योरी का फेवरेट टॉपिक है क्योंकि जब से इंटीजर टाइप क्वेश्चन आने लगा है वो क्या करता है 8-10 कंपाउंड दे देता है उससे आई कौन एरोमेटिक है कौन नॉन है। तो जब से इंटीजर टाइप आता है क्वेश्चन हर साल आता है सेगमेंट और टॉपिक है यही के लिए। ठीक है, राइट। और ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है रेजोनेंस के कारण रेजोनेंस आएगा कभी मेसोमेरिक इफेक्ट भी लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ा पर डिटेल में रेजोनेंस और ये केमिस्ट्री कल सभी को पढ़ के आना है सारे के बोर्ड पे कराऊंगा याद होना चाहिए तो आज तैयार होने चाहिए। ठीक है, सारे रख के आने हाँ रख के आने। ठीक है, सभी को याद करके आना जो भी हमने डिस्कस किया उसका याद होना चाहिए हिमांश याद करके आना हार्दिक याद कर सभी को अंजन ठीक है याद होना चाहिए। कल कंटिन्यू कर देखते हैं अगर हमें यही कंटिन्यू करना है ये करेंगे सर अभी कर लेना तो इजी है सर की